आज का विचार न्यूज का विस्तार। दोस्तों, सिविल स्टैप के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर जो है आज हम बातचीत करेंगे बहुत सारे देश विदेश और हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों, गणतंत्र दिवस जिसका मतलब है कि जिस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य प्रमुख है, वो चुना गया हो लोगों द्वारा, उसे उस देश को हम गणतंत्र बोलते हैं। और हमारा जो दोस्तों हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्रपति को जो है हमारे ही लोग, हमारे वो सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, इनडायरेक्टली तौर पे चुनते हैं। इस वजह से हमारा देश गणतंत्र है। और इस बार 2023 में हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस जो है कल सेलिब्रेट करेंगे, जहां पर दोस्तों परेड होगी और बहुत सारे हमारी जो सैन्य शक्ति, हमारा जो आर्ट एंड कल्चर, बड़ी सारी जो झांकियां जो हैं वो जो है कल दोस्तों कर्तव्य पथ पर, जिसे किसी समय पर राजपथ कहा जाता था, वहां पर ये झांकियां होंगी। तो कल जो है मैं उम्मीद करूंगा आप भी टीवी पर वो झांकियां, जो प्रधानमंत्री का संदेश, वो सभी कुछ जरूर सुनिए, ताकि बहुत कुछ आपको वहां पर जानने को जो है नया मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का सेशन आज के विचार के साथ। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो विद्यार्थी आ रहे हैं जी, सभी को गुड इवनिंग। रंजू, सूरज, अंकिता, दर्पण, निकिता, पुष्पा, सूर्यवंशी, मनोज, दर्पण, ज्योति, भारती, एवी कटोच, मिताली, प्रेरणा, भाई सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक साथ-साथ जरूर कर दें। तो अब्दुल कलाम जी, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द, यहां तो मैं कहूंगा ऑन द जो है चैट ऑफ सिविल स्टैप हिमाचल करंट अफेयर। हां जी दोस्तों, लास्ट बेंच का मतलब है कि भाई हमें लाइफ में सभी चीजों में फर्स्ट नहीं आना, हमें जो है उन्हीं चीजों में फर्स्ट आना है जहां पर हमें जरूरत है, जहां पर रिक्वायरमेंट है, जहां पर हम जिंदगी में आगे बढ़ सके, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारे एग्जाम हो, चाहे वो किसी की सहायता करना हो, और बहुत सारी चीजों में हमें रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए, साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। हालांकि बहुत सारी दोस्तों इसका जो विश्लेषण है बड़ा, मुझे लगता है बड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में जो है मैं यही आपको बोलना चाहूंगा। तो शुरू करेंगे सबसे पहले आज का हिमाचल स्पेशल। और जो विद्यार्थी आ चुके हैं जी, साथ साथ सेशन को शेयर लाइक साथ साथ जरूर करते रहे। शीतल शर्मा बड़ी खुश हो रहे हैं, जरूर बताएं शीतल जो है भाई, हम भी जरूर खुश हो लें आपकी बातें सुनकर। और आयु जवल और प्रेरणा पॉल और मिताली ठाकुर भाई, गुड इवनिंग। और शुरू करेंगे आज का सेशन। पहला जो प्रश्न है हिमाचल से जुड़ा हुआ आपके समक्ष ये रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी नई बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपयों का बजट हिमाचल सरकार ने जो है उसका प्रस्ताव रखा है। ये कहां पर है? ये चंबा में है, सोलन, शिमला या लथोल एंड स्पीति। तो ये नेहरू मेडिकल कॉलेज, जहां पर हर साल सैकड़ों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करके दोस्तों डॉक्टर की उपाधि डिग्री प्राप्त करते हैं और देश की जो है लोगों की सेवा जो है वो करते हैं जी। तो ये कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में कहां पर ये स्थित है? तो इसका जो है आप उत्तर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पर शीतल शर्मा लिख रहे हैं कि सर की स्कूल की याद आ गई थी। तो दोस्तों जो उत्तर है वो चंबा है, चंबा में ये कॉलेज है। इसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं, और इसके लिए सैंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपया इन द फर्स्ट फेज टू स्पीड अप द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द न्यू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट सरोल। दोस्तों ये जो सरोल है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है जी। तो यहां पर जो है इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जल्दी से, कल हमने आईआईटी मंडी की बात की थी, आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि आईआईटी मंडी का हमारी कौन सी जो है दोस्तों आर्मी की फोर्स से जो है वो टाइप हुआ है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर लर्निंग में जो है इकट्ठे मिलकर काम किया जा सके। तो कल ही पढ़ा है, तो मुझे लगता है इजिली उत्तर आप इसका दे सकते हैं। और हम चलेंगे अब दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एज पर IGFRI सेवरल hectares in the state are under threat from invasive plant species. और दूसरा पॉइंट है, invasive species have spread over 40 lakh hectare in all district excluding Kinnaur and Lahaul and Spiti. तो बताएंगे करेक्ट क्या है, पहला दूसरा दोनों ठीक या दोनों ही गलत हैं? और बहुत बढ़िया, हाँ जी, इंडियन एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है, जो हम कल बात कर रहे थे नागपुर, उसके साथ आईआईटी मंडी की जो है वो एमओयू जो है वो साइन हुई है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो सी, दोनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, ठीक है, यहां पर आप जो है बकरियों को देख रहे हैं, गायों को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं
उस इलाके की, उस ग्राउंड की जो चरने लायक बनाया जाता है। और क्योंकि भाई बहुत हमारे जो जानवर हैं, अब इनकी भी जो हेल्थ है, इनकी भी जो हेल्थ है वो तभी बेहतर हो सकती है जब इनको खुले में चरने को जो है वो अवेलेबल ग्रास हो। तो एक नाम है जहां पर हम जो है IGFRI, हमने क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, इसको बोलते हैं इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसका काम क्या है। हम देखते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, दोस्तों ये जो ग्रासलैंड्स की संख्या भारत में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इसका जो असर है लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन पर भी बड़ा ही नेगेटिव पड़ता है। तो ये जो IGFRI है, इसने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को टू आइडेंटिफाई लैंड फॉर ए पायलट प्रोजेक्ट, की आप जो है हिमाचल प्रदेश को आए कि जमीन इस तरह की ढूंढिए जहां पर ग्रासलैंड्स हो फॉर द पैस्चर कंजर्वेशन। पास्चर कंजर्वेशन का चरने के पर्पज से सेवरल हेक्टेयर्स इन द स्टेट आर अंडर थ्रेट फ्रॉम द इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज, क्योंकि इनकी हेल्थ दोस्तों सारी ऐसी जड़ी बूटियों पर निर्भर रहती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रासलैंड्स पर ही मिलते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज हैव स्प्रेड ओवर 40 लाख हेक्टेयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति, क्योंकि यहां पर मौसम ठंडा रहता है और उतना वेजिटेशन, उतना ग्रासलैंड यहां पर अवेलेबल नहीं है जो हिमाचल प्रदेश के बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है। माइग्रेटिंग शेफर्ड्स आर फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू द लॉस ऑफ पैचर लैंड इन द एरिया। अब खासतौर पर यहां पर जो है भेड़ बकरियों की बात हुई है, लेकिन इसके अलावा चाहे वो भैंस हो, चाहे वो और जानवर हो, गाय हो, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा है गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सूटेबल एरियाज टू डेवलप मॉडल ग्रासलैंड्स व्हिच कैन फर्दर बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। एट प्रेजेंट सेवरल फार्मर्स हैव टू परचेज फोडर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, लेकिन IGFRI भी चाहती है कि भाई यहां पर जो है इस तरह के ये जो ग्रासलैंड्स हैं उनको स्थापित किया जाए ताकि भाई और भी जो यहां पर जो पशुपालन है, चाहे बकरियों के लिए, चाहे भैंस या गाय के लिए, उनके लिए जो है सही एक लैंड या सही जो है एक जमीन जो है वो निर्धारित की जा सकती है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है IGFRI का, वो भी आपको साथ साथ जरूर पता हो। तो इसके बाद चलेंगे हम अपने पहले जो है सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है देश विदेश। देश विदेश में देश दुनिया की और बहुत सारी खबरें पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोनों ही जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और भाई अभी जो विद्यार्थी आ रहे हैं, नमस्ते जी आपको। और IGFRI जो है उत्तर प्रदेश में है, दर्पण शर्मा बोल रहे हैं उसका हेडक्वार्टर। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले सेशन को भाई कंजूसी जो आप कर रहे हैं वो कंजूसी ना करें, है ना, हम भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे, सारे के सारे प्रश्न आपको पढ़ा के जाऊंगा जितने भी लेकर आया हूं। दोस्तों चलेंगे पहला प्रश्न, ध्यान से सुने। पहले 3 प्रश्न आपको पता है, जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं दोस्तों ये पूरी तरह HAS के पेपर पर आधारित, जिस तरह से हम एग्जाम में देखते हैं वैसे ही यहां पर आएंगे। और दोस्तों यहां पर हम एक ही क्वेश्चन में 3-3 न्यूज आपको पहले 3 क्वेश्चंस में पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें। NARCL जो है ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई, इसको एक और नाम दिया गया है बैड बैंक का, हैज अक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेस्ड असेट JP इंफ्राटेक। अब जो है इसका मतलब है NARCL ने जो है अपना पहला जो NPA है उसे खरीद लिया है, और ये जो लोन है दोस्तों JP इंफ्राटेक का है। दूसरा पॉइंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 5 बिलियन जो लोग हैं ग्लोबली दोस्तों वो हार्मफुल ट्रांस फैट का जो है वो जो है शिकार हो चुके हैं। ट्रांस फैट का बात करेंगे भाई, ट्रांस फैट का सीधा सीधा मतलब है कि मोटापा आ रहा है। किसकी वजह से भाई? चौमिन की वजह से, मोमोज की वजह से। तो क्या ये सही है गलत है? इस रिपोर्ट के मुताबिक इतने ज्यादा लोग, 5 बिलियन का मोटा माटी मतलब है 500 करोड़। और एज पर द लेटेस्ट SBI रिपोर्ट, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसने दोस्तों MSME के लिए जो है कैश के इनफ्लो में काफी ज्यादा मदद की है। तो यहां पर आप बताएंगे करेक्ट कौन सा है, दूसरा तीसरा, सिर्फ तीसरा, या तीनों ही पॉइंट जो है वो दुरुस्त हैं? तो जल्दी से इसका उत्तर दे सकते हैं। और ट्रांस फैट लीड्स टू इंक्रीज जो है इन LDL लेवल, बहुत ही बढ़िया दर्पण। तो भाई यहां पर उत्तर देखते हैं, उत्तर तीनों ही पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहां पर, पहली जो है लाइन पढ़ेंगे NARCL। तो NARCL की इस न्यूज को पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत ने 2021-22 का जो बजट था, जो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने उस बजट में अनाउंस किया था
कि हम देश में पहला बैड बैंक जो है वो जो है स्थापित करना चाहते हैं। भाई बैड बैंक का मतलब बैड, जैसे हम बोलते हैं बैड मैन कि भाई बुरा व्यक्ति है, ऐसे वो बैंक बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों बुरे लोगों की बुराइयों को खत्म करने के पर्पज से उसकी स्थापना की गई है। नाम रखा है इसका NARCL। NARCL भाई इसका मतलब फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इसको नाम दिया गया है। अब ये जो NARCL है इसमें कहा गया कि भाई बैंकों के जो NPAs हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, अब क्योंकि थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में फिर न्यूज के ऊपर चले जाएंगे हम, तो इसका दोस्तों जो मकसद होगा, जो बैंकों के ऑलरेडी NPAs हो चुके हैं, जिनको बैंक बोल रहे हैं कि अब उस पैसे को वसूलना हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो है लोगों के घरों में ढोल भी पीट दिए हैं, लोगों को फोन भी कर दिए हैं, लोगों के साथ बदतमीजी भी कर दी है, लेकिन हमें नहीं पैसा वो मिल रहा। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसकी जिम्मेदारी हम बैंकों को नहीं, एक अलग से बैंक की स्थापना कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो वो बैंक क्या करेगा, NARCL, तो वो जो लोन है जो आपसे रिकवर नहीं हो पा रहा उसे खरीद लेगा। अब वो कितने में खरीदेगा वो उनकी आपसी सहमति होगी। मान लीजिए 2,00,000 करोड़ का लोन है, तो भाई अब होगा क्या कि उस 2,00,000 करोड़ के लोन को खरीद लिया जाएगा। तो इससे बैंकों को फायदा क्या होगा, दोस्तों बैंकों को फायदा यह होगा कि वो जितना भी लोन वो खरीद रहे हैं बैंक से, और भाई उसका 15% तो NARCL उसको उसी समय कैश में दे देगा। मान लीजिए 100 रुपए का जो बैड लोन है बैंकों का और NARCL ने अगर उसे खरीद लिया है, तो भाई 15 रुपए तो 100 रुपए में से उसको उसी वक्त दे देगा कि 15 रुपए आप अभी ले लीजिए, और बाकी बचे हुए पैसे की जो है उसको वो देगा कि भाई हम इन फ्यूचर में उसको भी किसी ना किसी तरीके से कुछ शर्तों में लौटा देंगे, हम भी रिकवर करेंगे और लौटा देंगे, लेकिन आपकी जो है आपकी सिक्योरिटी के पर्पज से हम आपको कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स जरूर जो है वो इशू कर देंगे। सिक्योरिटी बॉन्ड का मतलब समझते हैं ना, 2-3 दिन पहले ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड के टाइम पीरियड में आपको अच्छे से समझाया था, तो वो आपको बॉन्ड इशू कर देंगे। तो इस तरह से जो है बड़े गाजे बाजे से इसकी शुरुआत की गई थी 2021 के बजट में, और दोस्तों अब जो है इसने काम करना शुरू किया है। पहला जो स्ट्रेस्ड अकाउंट है जो इसने NARCL ने अक्वायर किया है दोस्तों, ये IDBI बैंक का जो NPA था, जो इन्होंने लोन दे रखा था किसको, ये इन्होंने लोन दे रखा था दोस्तों, वो दे रखा था JP इंफ्राटेक को। तो वो जो लोन है इनकी वापसी नहीं हो रही थी, और अब इसको NARCL ने खरीद लिया है, और अब देखना होगा कि ये सही से उसकी रिकवरी कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी न्यूज है अच्छे से और आसानी से जो आपको समझाई आपको जरूर जो है समझ आ गई होगी। तो NARCL एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी इसे बोल दिया जाएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब है कि जो लोन को रिकवर करने में मदद करेगी। हैज अक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेस्ड असेट JP इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम लेंडर्स, और स्ट्रेस्ड असेट विल बी अक्वायर्ड थ्रू 15% उनको जो है पैसा कैश में दे दिया जाएगा, और 85% की उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दिए जाएंगे। और ये जो NARCL है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर है, और इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसको मैं आसान भाषा में सरफेसी भी लिख सकता हूं। तो सरफेसी एक्ट के तहत जो है ये रजिस्टर भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरफेसी एक्ट 2002 के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखी है। बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। और ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, बहुत ही बढ़िया, जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयरिंग है वो 50% से ज्यादा है, बहुत ही बढ़िया, मेक इट हैपन जी, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NARCL एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है दैट इंसोलेट रिस्की असेट हेल्ड बाय बैंक इन ए सेपरेट आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट, ट्रांस फैटी असेट आर इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड और नॉट फाउंड नेचुरली, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते। और तीसरा पॉइंट है, ECLGS इज ए स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड 100% गारंटी कवरेज टू बैंक एंड NBFCs टू एक्सटेंड इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी टू बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो ध्यान से आप इसका उत्तर दे सकते हैं भाई, पहला दोनों ठीक, पहला और तीसरा ठीक, सिर्फ तीसरा ठीक, या सारे ही बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो इसके उत्तर की तरफ जो है जरूर जो है आप बढ़ें, और साथ ही साथ बच्चे ये जरूर बता दिया करें कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर नो सर कुछ ना कुछ जरूर बोलते रहा करें, ताकि पता लग सके कि भाई आपका इंटरेस्ट, आपको जो विश्लेषण किया जा रहा है उसको आपको अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। कभी कभी लगता है जो है एज ए टीचर इस स्टूडियो में खड़े हुए कि भाई हम बोल तो रहे हैं इस स्टूडियो में, और सामने कैमरा है और एक माइक है,
लेकिन विद्यार्थी जो अपने घरों में बैठे हैं, अपने इस समय रजाई में बैठकर चाय बनाते हुए, चाय पीते हुए, बहुत सारी लड़कियां किचन में काम करते हुए सुन तो जरूर रही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं, साथ साथ जरूर बताया करें। और जो है इस प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, यहां पर जो उत्तर है पहला और तीसरा बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस नहीं, ये नेचुरली फाउंड भी होते हैं। ट्रांस जो है फैटी एसिड, जिसे हम TFA बोलते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, तो समझ आया भाई, आ रहा है समझ। तो ट्रांस फैटी एसिड से पहले एक तस्वीर दिखा दूं भाई, ये जो तस्वीर से पता लग रहा है कि ये जलेबियां हैं, ठीक है, ये बर्गर है, ये जो है बालूशाही है, ये बर्गर है, चॉकलेट है, तो ये सभी कुछ आपकी मर्जी है। क्योंकि भाई इस नई रिपोर्ट जिसका नाम है काउंटडाउन टू 23, इसने कहा है कि 5 बिलियन लोग जो है फैट एसिड के शिकार हैं, मोटापा है भाई, उनके जो बहुत सारे जो पैरामीटर हैं वो नॉर्मल इंसान से जो है वो नहीं रहे हैं। ये जो दोस्तों एनुअल स्टेटस, मतलब हर साल आने वाली ये रिपोर्ट है काउंटडाउन टू 2023, और इसमें कहा है कि भाई 16 कंट्रीज के बारे में इन्होंने ये रिपोर्ट दी, और कहा उनमें से 9 जो कंट्रीज हैं वहां पर तो कोई बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, भूटान, इक्वाडोर, इजिप्ट, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो हालात जो है वो काफी खराब होते जा रहे हैं हेल्थ पर्पज से। और जब मैं TFA की बात करता हूं दोस्तों, ये नेचुरली अकर भी है, नेचुरली अकर ट्रांसफैट अकर्स भाई जो खासतौर पर डायरी और मीट प्रोडक्ट्स के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और अगर मैं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांसफैट की बात करूं तो भाई लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक देम मोर सॉलिड, जो आमतौर पर दोस्तों इस तरह के जो लिक्विड है हम किसी रेडी पर जब बर्गर खा रहे होते हैं भाई, एक बात तो है उसके जैसा टेस्ट जो है ना, आप रेडी पे कहीं बर्गर खाते हैं वो उसके जैसा टेस्ट आपको KFC या मैकडी या सबवे में नहीं मिलेगा। जो रेडी पे खाने का मजा है, सस्ता भी है, टेस्टी भी है, मजा भी आता है ना, वो कहीं नहीं है। लेकिन भाई उसमें कुछ इस तरह के TFAs आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज जो है बाद में उठाने पड़ते हैं, आई थिंक, ठीक है भाई, जो जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, एक चीज वहां पर ठीक है और एक चीज वहां पर गलत भी है। तो चलते हैं जी तीसरे प्रश्न पे, तीसरा क्वेश्चन है, और भाई ज्योति शर्मा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सहमत होंगे मेरे से। तीसरा क्वेश्चन है, NARCL रजिस्टर है RBI के साथ अंडर सर्फेस एक्ट 2002, रिप्लेस एक स्ट्रेटजी है WHO की जिसका मकसद है कि जो इन TFAs को जो है मिनिमम किया जाए, और ESLGS जो है अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। तो यहां पर जो है बताएंगे करेक्ट क्या है दोस्तों, करेक्ट पहले दोनों है, तीसरा गलत है, क्योंकि ESLGS है MSME मिनिस्ट्री के अंडर आता है। क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझते हैं, यहां पर भाई एक फोटो लगाई है मैंने, इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रही होंगी टूटी फूटी जो है कुछ चीजें, मतलब आपको जो है कुछ ऐसी इंडस्ट्री दिख रही है दोस्तों जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो ये इंडस्ट्री के बारे में जो है मैं बता दूं आपको दोस्तों, अगर कोई भी इस इंडस्ट्री के पर्पज से कोई भी लोन लेना चाहता है इसमें काम करने के लिए, चाहे वो बैंक जो है PFC से लोन ले कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक से लोन ले, तो भाई आपको दोस्तों गारंटी प्रोवाइड करता है। कौन गारंटी प्रोवाइड करता है? ESLGS। हाँ जी, अब ये ECLGS क्या है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, यहां पर भाई मैं तो खुद फंस गया हूं, हाँ जी, इसका फुल फॉर्म, हाँ जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है गारंटी स्कीम। एल का मतलब आप जल्दी से मुझे बताएं, पता नहीं मेरे पास जो है अभी उसका मतलब है भी है कि नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूं। यहां पर पहले प्रश्न में भी जो है आ चुका है जी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, हाँ जी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। तो इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दोस्तों जो है आपको किसी भी बैंक को या किसी भी NBFC को गारंटी दी जाती है कि भाई आप इस व्यक्ति को लोन दे दो, और भाई कल को इसने लोन अगर नहीं चुकाया हम आपका पूरा लोन वापस करेंगे। और ऐसा गवर्नमेंट ने दोस्तों ये ESLGS जैसी जो संस्था है निर्माण क्यों किया है, ताकि लोग इनकरेज हो MSME इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसमें कोई बिजनेस करने के लिए, क्योंकि भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा जो रोजगार है दोस्तों, जो हमारे बिजनेस का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो MSME इंडस्ट्री से ही आता है। इसी वजह से अगर आपने पिछले 6-8 महीने में लगातार करंट अफेयर पढ़े हैं तो हमने PLI स्कीम के बारे में भी पढ़ा था। PLI का आप फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो जरूर बताएं, जिसमें MSME इंडस्ट्री में खास तौर पे कहा था कि भाई जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर हम देखें तो MSME लोन अकाउंट वर्थ 2.2 लाख करोड़ इंप्रूव्ड फ्रॉम इंटायर बैंक इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये जो MSME में है इतना ज्यादा जो बिजनेस है जो लोन है वहां से रिकवर हुए हैं, सेव 12% ऑफ आउटस्टैंडिंग MSME क्रेडिट फ्रॉम
स्लिपिंग इनटू एनपीए एंड लाइवलीहुड ऑफ द नियरली, और इतने ज्यादा जो लोग हैं इन लोन से जुड़े हुए थे लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करने की वजह से अब वो लोन एनपीए की तरफ जाने की बजाय बैंकों ने रिकवर कर लिए हैं। मैं देखता हूं मैक्सिमम एनपीएस आम लोगों की वजह से नहीं, मेरे या आप जैसे लोगों की वजह से नहीं, ये जो काम विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग करते हैं, मैक्सिमम उन व्यक्तियों की वजह से जो हम देखते हैं दोस्तों, जो है बैंक की एनपीए की संख्या लगातार बढ़ती है। तो इसमें तो करोड़ों लोग जुड़े हुए थे और इन्होंने बेहतरीन काम किया है। एमएसएमई यूनिट बिकमिंग लार्जर विल सेवरल यूनिट्स क्रॉस थ्रेशोल्डिंग ऑफ 250 करोड़ टर्नओवर एंड टर्निंग इनटू ए मिड साइज कॉर्पोरेट बाय द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई यूनिट। तो भाई ये आपको फुल फॉर्म भी आ सकता है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का, मुझे तो इसका फुल फॉर्म याद हो चुका है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। माफ कीजिए, पहले मैंने एमएसएमई इंडस्ट्री के अंडर कहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पे ही जो है दिया जाता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ अप टू 20% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन फेब 29, 2020, और इसमें 100% गारंटी कवरेज जो है दिया जाता है, और उसका जो टर्नओवर है वो 4 साल का रख दिया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने से पहले पीएलआई का फुल फॉर्म प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, बहुत ही बढ़िया। और भाई अगर आपने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात करी दी है तो आप मुझे जल्दी से बता दें एमएसएमई के अलावा गवर्नमेंट ने किन किन और सेक्टर में पीएलआई को जो है वो लाए थे ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके उन अलग अलग क्षेत्रों में जी। और एमएसएमई डे हर साल हम 27 जून को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी दर्पण शर्मा ने साथ साथ दी है। अब डे की बात की ही है तो जल्दी से बता दूं दोस्तों, आज जो है हिमाचल का स्टेटहुड डे भी है, आप सभी विद्यार्थियों को जरूर पता होगा। आज ही के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेटहुड, यूटी से स्टेटहुड का दर्जा मिला था, और इस वजह से हम नेशनल टूरिज्म के साथ सोलर जो है जो पैनल्स है उनमें भी पीएलआई को इंक्लूड किया गया था जी। तो इसमें अगला जो प्रश्न है वो है 21 लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उनको जो नाम है दोस्तों जो है 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर रखे गए हैं, और भारत के पहले परमवीर चक्र अवार्डी थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो यहां पर जो है बताएंगे कौन सा ठीक है, तो इसका उत्तर इजीली आप कल भी क्योंकि इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। ये लिस्ट है भारत के 21 जो है परमवीर चक्र, जो भारतीय आर्मी का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड है, उनकी लिस्ट है। और भाई यहां पर जो है नाम जो है हम अगर देखें 18वें नंबर पे लिखा है कैप्टन विक्रम बत्रा, और भी बहुत सारे नाम हैं दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश से हैं। और अब जो अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड्स के नाम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के मौके पर, जो कि परसों था, और परसों 2021 से 23 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करती है, तो पराक्रम दिवस के इस मौके पर इनके नाम जो है अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड के नाम इनके नाम पर रख दिए गए हैं। इट वॉज डिजाइंड बाय मिसेज सावित्री खानोलकर। परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलूर ड्यूरिंग वॉर टाइम। और ये दोस्तों जो चक्कर है ये जो दिया जाता है पीवीसी, तो ये जो है इसको डिजाइन सावित्री खानोलकर जी ने किया था, ब्रॉन्ज में जो है ये बनता है। इट कैरी स्टेट एम्बलम एट सेंटर ऑन ए रैंक सर्कल सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकास ऑफ इंद्र वज्र, तो जो है फ्लैंक बाय द स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी। तो उसका किस तरह का वो जो है परमवीर चक्र बनता है, तो उसका जो शेप है वो दिखाई गई है यहां पर। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं उसकी इमेज को यहां पर नहीं लगा सका, लेकिन आप क्लास के बाद उसे गूगल सर्च है जरूर कर सकते हैं जी। फिर पांचवा प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने इसकी शुरुआत की थी, और उड़ीसा का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एंड लुंगलाई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये भी सुभाष चंद्र बोस से ही जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये भी दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, और इसी दिन ये दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के नाम जरूर जान लें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और इस बार ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है टोटल 11 जो है बच्चों को दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो पुरस्कार है बाल पुरस्कार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री उन बच्चों को देती है जिन्हें 5 से 18 साल की उम्र हो और कोई भी ऐसा बहादुरी का काम किया हो और जिससे बड़े सारे लोगों की जान बची हो जी। ये कैटेगरीज में बटा है, आर्ट एंड कल्चर में, ब्रेवरी में, इनोवेशन में, स्कॉलरस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स में। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जो है वो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिजोरम के इस फायर स्टेशन लुंगली फायर स्टेशन को इस बार दिया गया। इसके बाद छठा प्रश्न,
छठा प्रश्न भी मुझे लगता है आसान है, और अगर आपने पढ़ा है तो फिर आसान है। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है 24 जनवरी को, और थीम जो है इसका वो है नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर श्योर। नेशनल वोटर्स डे दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 1950 में इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है उसको अनावरण किया गया था। उत्तर सिर्फ दूसरा ठीक, क्योंकि तारीख थी 25 जनवरी और वोटर्स को समर्पित है। तो 2011 से, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो आज हम 13वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका जो थीम रखा है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये इसका आप लोगो देख रहे हैं दोस्तों, और मैं रिपीट कर दूं, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और ये जो अशोक चक्र जो है, जो हमारे भारतीय फ्लैग में झंडे में भी लगा है, जिसकी 24 लाइंस हमें 24 घंटे निरंतर जो है देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो इस तरह से इसका इस बार का जो है लोगो बना रखा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि लोगों को प्रेरित किया जाए ज्यादा से ज्यादा भविष्य में वोटिंग करने के लिए। फिर 7वां प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोस्तों दो क्वेश्चन है। एज पर ए रीसेंट रिपोर्ट, Visibility of stars in night sky is declining by 10% per year because of light pollution. एक नया शब्द शायद आपने सुना होगा, ये जो बिजली है, जो बल्लब है, उसका भी एक पोल्यूशन है, जिसकी वजह से रात की जो जो चंद्रमा की तारों की जो रोशनी थी उसकी वजह से जो प्रकाश था वो भी कम होता जा रहा है। ये बताया है, स्काई ग्लो इज ए फॉर्म ऑफ लाइट पोल्यूशन जिसको भी कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूजन इल्यूमिनेशन ऑफ ए नाइट स्काई। तो यहां पर भी दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और ऐसा कई सारे सर्वेज मानते हैं 2011-12 के बाद कि ये जो लाइट पोल्यूशन की वजह से 7-10% तक का रात का विजन है कम हुआ है, जिसकी वजह से अब स्टार्स की विजिबिलिटी जो है बड़ी ज्यादा कम हो गई है। ये शब्द जरूर याद रखें, लाइट पोल्यूशन। इंपैक्ट क्या है, इंटरफेयर्स विद एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, डिसरप्ट्स इकोसिस्टम, थ्रेट टू नॉक्टुरल वाइल्ड लाइफ स्पेशली बर्ड्स। तो इस वजह से जो है भाई, जो इंसान है वो तो जरूर अपने जो जो उसके रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उसने जो है लाइट्स बना ली, बैटरीज बना ली, लेकिन पक्षियों को, जानवरों को जो है समस्या होती है। और क्योंकि भाई जो लाइट पोल्यूशन है अब वो ऐसे सीधा विजिबल तो नहीं है, जैसे दिन में पोल्यूशन होता है तो हमारी विजिबिलिटी दिखती नहीं, हम गाड़ी चला रहे हैं नहीं पता लगेगा, लेकिन रात में जो है भाई वो भी जो है पोल्यूशन बड़े स्तर पर फैला है, जिस वजह से खासतौर पर इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और आज का जो है दूसरे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वेस्ट वाटर प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूक्लियर प्लांट कैन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। न्यूक्लियर प्लांट में जब बिजली का निर्माण होता है बड़े सारे दोस्तों, वहां पर भी जो 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 वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट वाटर है, तो भाई उनमें कौन कौन से जो है एलिमेंट होते हैं, तो यहां पर कोबाल्ट 60, स्ट्रोंटियम 90, केशियम 137 या सारे के सारे ही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही जो है इस न्यूक्लियर प्लांट, खासतौर पे क्योंकि जापान में अब ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है, तो वहां पर रिसर्च के बाद पाया गया कि भाई वो जो पानी है वो किसी भी तरह से यूज के लायक नहीं है और पर्यावरण के लिए बड़ा ही खराब है जी। तो दोस्तों इसके साथ जो है दूसरा जो सेक्शन है वो हो रहा है समाप्त, और अब चलेंगे लास्ट सेक्शन की तरफ। और दर्पण लिख रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब रात होगी ही नहीं। हाँ जी, या दर्पण शर्मा आप ये बोल लो कि दिन भी रात जैसा होगा, आप ये बोल सकते हो कि भाई अंधेरों और अंधेरा जो है कितना बोलोगे ना, फिर हम कहेंगे भाई अंधेरा कायम रहे शक्तिमान हमें याद आ जाएगा। तो चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, और लास्ट सेक्शन से पहले दूसरे सेक्शन में कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो, अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, और हम हमेशा आपके लिए दोस्तों तैयार बैठे हैं। लास्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे, और भाई मुझे लगता है ये जो अंधेरा कायम है, ठीक है, तो इसकी वजह से खुश हो गए हैं स्टूडेंट, और मुझे लगता है बचपन में सबने शक्तिमान को स्कूलों से भाग भाग के जरूर देखा है, तो इस वजह से। तो चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ दोस्तों, एक्सरसाइज तर्कश जो है रिसेंटली जो है इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और जो यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच जो है वो रिसेंटली कंक्लूड की गई है। और दूसरा पॉइंट है भारत भास्कर जो है वो न्यू डायरेक्टर बने हैं IIM अहमदाबाद के। दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। मुझे जल्दी से आप बताएं गणतंत्र दिवस पर जो चीफ गेस्ट आएंगे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनका नाम भी जल्दी से मुझे आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एयर फोर्स ने जो है कंडक्ट की है पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट, और ए रेयर 17-pound लार्ज मेटोरिट जो है मेटोरिट हैज बीन डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका। तो ये जो है इसकी जो है दोस्तों खोज हुई है एक बहुत ही बड़े 17-pound की जो है मेटोराइट की। तो ये भी दोनों पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। और लास्ट क्वेश्चन है, उप्स अलर्ट एक्सरसाइज जो है अभी रिसेंटली BSF ने कंडक्ट की है,
ताकि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे और चौकसी बढ़ाई जा सके। और श्याम भाई भी पटेल को अपॉइंट किया गया है अमूल का नया चेयरमैन। तो ये भी दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, वो आ रहे हैं हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट। तो कल जो है आप उनकी भी तस्वीरें जरूर देखें। एक बार फिर मैं सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है शुभकामनाएं दूंगा। शुभकामनाएं सिर्फ दिवाली और जो है भाई लोहड़ी की ही नहीं होती, गणतंत्र दिवस की, आजादी दिवस की भी शुभकामनाएं जरूर दिया करें दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस दिन को लाने के लिए जो है अपना खून पसीना जो है वो बहाया है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और आज जिस वजह से हमें इस खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है, वोट डालने का हमें मौका मिलता है, तो उन सभी को जो है हमारी तरफ से, सिविल स्टैप हिमाचल की तरफ से सल्यूट है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में करंट अफेयर के और बहुत सारी देश दुनिया की खबरें लेकर आएंगे। धन्यवाद।